Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, आज वापस से लास्ट टाइम हिट कर लिया था 200 किलोग्राम्स डेडलिफ्ट पे, आज वापस रेडी हूँ डेडलिफ्ट में. मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ. देखो, ये होती है प्लानिंग डेडलिफ्ट से पहले. प्री वर्कआउट कंज्यूम किया है, BCAA रेडी है, म्यूजिक सिस्टम रेडी है, चॉक रेडी है, नी रैप्स रेडी है, रिस्ट सपोर्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, बारबेल एम्प्टी. सबसे पहले मैं फोकस करूँगा. और एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात यह है कि मैं अभी शूज़ पहन रखे अंडर आर्मर, है ना, अंडर आर्मर. हम्बल प्रोजेक्ट है ये, हम्बल सीरीज़ या जो भी है. अब देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो चीज़ होती है ना, ये कभी भी वेट लिफ्टिंग में, ये देखो ये पिंच हो रहा है, ये देखो ये दब रहा है, कभी भी ये वाले शूज़ से आपको स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, ये सब कुछ नहीं करनी है. उसका रीज़न है, आप दिमाग लगाओ, अगर आप पिलो या फिर गद्दे या फिर कुशन के ऊपर पैर रख के डेड लिफ्ट कर रहे हो तो आपका वेट बैलेंस नहीं होगा, बॉडी वेट बैलेंस नहीं होगा. सो मैं सिर्फ कुछ सेट करने के बाद मैं बेयर फुट करूँगा या फिर फ्लैट सोल वाले शूज़ अपन यूज़ करते हैं डेड लिफ्ट में. सो आज का ब्लॉग यहीं स्टार्ट करूँगा. सबसे पहला जो सेट जाएगा वो जाएगा 25 25 प्लस 20, मतलब 70 kg से फर्स्ट सेट जाने वाला है अपना डेडलिफ्ट का. और अपन कोशिश करेंगे कि इजीली 200 kg अपन लिफ्ट कर पाए. सो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना. मैं आपको बता दूँ, इससे पहले डेडलिफ्ट से पहले मैंने 4 प्रॉपर अच्छे काब्स वाली मील ली है, 4 हाई काब मील लिया है. प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहा है, स्लीप भी प्रॉपर रही है. सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्कआउट डेडलिफ्ट विथ 70 किलोग्राम्स. फर्स्ट सेट अपने डेडलिफ्ट डे का 70 किलोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं एज अ वार्म अप. लेट्स गो. पहले तो जो इन जैसी लड़कियां हैं हमारी, उनको पहले ये बताओ कि 25 25 तो 50 ही हुए, बाकी बीच किधर है? प्लीज गॉड गॉड सर, समझ गया ना तुम? चल मेहरबान. फर्स्ट सेट इजी. अब जो सेकंड सेट, थर्ड सेट और फोर्थ सेट रहने जाते हैं ना, वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं कि आप 200 हिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. उसका रीज़न क्या है? अगर मैं यहाँ पर 10-10 बढ़ाऊँगा या 15-15 बढ़ाऊँगा ना, तो क्या होगा, मेरे रैप रेंज, सेट रेंज खिंच जाएगी. जैसे सेट रेंज चली जाएगी 6-7-8 तक, और तब तक मेरी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी होगी. सो मेरा सेकेंड सेट जाएगा, मैं वापस से 25-25 ऐड करूँगा, जिससे मेरे सेट्स कम हो जाएंगे और मेरा 200 तक एनर्जी बनी रहेगी. सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, 200 तक जा रहे हो तो इनिशियल वेट्स को आप थोड़ा बहुत ग्रेजुअली उठा सकते हो वेट्स. सो अभी मैं 25-25 लगा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं अपन कितना मार्जिन रख पाते हैं. लेट्स गो. सो 25 25 50 प्लस 50 प्लस 20 120 किलोग्राम सेकेंड सेट जा रहा है अपना डेडलिफ्ट का. रेप्स तो काउंट किए नहीं, बट इजी आ गया 120. बढ़ाते हैं 15 15 150 करते हैं इसको. थर्ड सेट 15 25 25 और 15 25 25 प्लस 20, तो 150 किलोग्राम्स हो गया ये. अब देखो, मेरे को वेट उठाना है, लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं वेट उठा रहा हूँ. बहुत सारे लोग ये 50 किलोग्राम्स जो हैं, दो प्लेट रेड कलर की, इसकी जगह 5 10 10 की लगा के वो लोग दिखाते हैं कि मैं 5 प्लेट उठा रहा हूँ. मेरा पर्सनल एम दिखाना गोल नहीं है, वेट उठाना गोल है. सो शो ऑफ नहीं करना, वेट उठाना है. भले ही 25 25 15 या फिर 10 10 10 लगा के रॉड को, बारबेल को भर दो. सो दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर वेट बढ़ाओगे, थोड़ी सी फिजिक्स नॉलेज होगी तो वेट कम उठा पाओगे. अगर प्लेट्स बढ़ाओगे तो प्लेट्स कम रखो, वेट बढ़ाओ, फिजिक्स लगाओ, वेट उठा पाओगे. बस यही एक साइंस की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. सो दिस इज़ माय थर्ड सेट, 150 किलोग्राम्स, लेट्स गो. भाई साहब चोट हो गई एक, हर्ष का कॉल आ गया बीच में,
थर्ड सेट के मैंने 7 रैप सेल्फ ले लिए थे 150 किलोग्राम से। अब बढ़ाते 15 और, नहीं रिकॉर्ड कर पाया थर्ड सेट, आई एम सॉरी, बट नेक्स्ट उठा के ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैं 150 उठा सकता हूँ, अगर कुछ लोगों को डाउट है तो। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ सेट, वेट लगाते हैं, सबसे बड़ी मेहनत का काम तो यही है, और फिर स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ सेट 150 किलोग्राम्स, लेट्स गो। अब जो है वेट चला गया है 180 किलोग्राम्स, और रिस्ट सपोर्ट, ये अपने नी रैप्स, ये सारी चीज़ें अब काम की है। पहले नी रैप करेंगे, बेल्ट पहनेंगे, फोकस करेंगे और हिट करेंगे अपना 180 किलोग्राम्स। मैं कोशिश करूंगा 2-5 रैप के बीच में कुछ ना कुछ आ पाए, जिससे मोटिवेशन रहेगा 200 किलोग्राम्स तक। सो सपोर्ट करते रहें, और अगर पूरी जर्नी जाननी है मेरी 200 किलोग्राम्स तक की, तो कमेंट्स करना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मज़ा आता है डेडलिफ्ट का एक अलग नशा है भाई, अलग नशा है डेडलिफ्ट। शूज खोल दिए मैंने, 150 जो मारा था उसमें भी शूज नहीं पहने थे। इस वक्त जो माइंड में चलता है ना कि होगा नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा, जब मैं मेरे स्ट्रगलिंग फेज में था, जब मैं कोशिश कर रहा था 200 किलोग्राम हिट करने की, उस वक्त मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मुझसे नहीं होगा। हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ थी कि 200 आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, बस यही माइंड सेट था हर बार। सो मैंने 2nd of Feb को हिट कर दिया था 200, आज देखते हैं मैक्सिमम कितना जा पाता है, अगर 210 या 205 भी गया तो वो एक अचीवमेंट होगा अपने लिए। सो करते हैं स्टार्ट अपना फोर्थ फकिंग सेट। भाई 180 किलोग्राम से 4 रैप्स, और सच बोल रहा हूँ इतना सा भी पता नहीं लगा मुझे उठ गया वेट। आई लव दिस फकिंग वर्कआउट ब्रो यार। हाँ, तो अभी अभी 200 किलो डेडलिफ्ट आपने देखी है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग कमेंट करेंगे कि तेरी बैक को देख के मेरी बैक में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानता हूँ मेरी फॉर्म ख़राब हो गई थी लास्ट में, बट एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना, वो ये सिर्फ वेट लगा के और हटा के देख रहे ना कितने ज़्यादा थक जाओगे आप। सो ये 200 किलो है ब्रो, 20 किलो नहीं है। सो बकचोदी मत करना,
और एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखना, उसके बाद कमेंट करना। और जो लोग जेन्युइनली अच्छे फॉर्म में उठा पाते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पता है वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। कोई बात नहीं, आज खराब फॉर्म में आया है, कल अच्छे फॉर्म में आएगा। सो ज्ञान मत पहलो, वर्कआउट करो, वेट उठाओ, और जेन्युइनली मुझे पता है फॉर्म खराब रहा। सो ऐसे ही और ब्लॉग्स को प्यार देते रहो। मैं कमिट कर रहा हूँ आपसे, मैं 500 LBS तक जाके रहूँगा, अभी ये 440 LBS है। सो शो सम लव, कीप सपोर्टिंग, कीप पंपिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू ऑल।